हमारे साथ राहुल परिहार है और राहुल परिहार को आज जिला प्रशासन ने सम्मानित किया है सर्टिफिकेट से। इनको 666 नंबर यानी कि 666 नंबर जो है वो नीट जो इस साल 2024 का हुआ, नीट मींस नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, यानी कि जो ऑल ओवर इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनका एक ही कॉमन टेस्ट होता है जिसको नीट कहा जाता है, और इसी बेस पर ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पर जो है वो जो इसमें नंबर लाते हैं मेरिट के बेस पर जो है उनको सिलेक्शन होती है। इन्होंने 666 नंबर लाए हैं जो कि एक सेलेक्टेड कैंडिडेट जो है वो उसके लिए जो है वो पर्याप्त नंबर है, और अब इनको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो अभी देखना बाकी है। हमारे साथ राहुल हैं, हम इनसे पूछेंगे कि इनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, ये एक मीडियम परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं और किश्तवाड़ का सलाना इलाका है सरूर का जो द्रापशाला ब्लॉक में पड़ता है और तहसील भी द्रापशाला है, वहाँ से जो है इनका ताल्लुक़ है। राहुल, आप अपने परिवार के बारे में और अपने बारे में बताइए कि कहाँ से आपने स्टडीज की और किस तरह से जो है आपने नीट का सफ़र जो है वो तय किया। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्ध भैया, थैंक यू सो मच मुझे बुलाने के लिए एंड मौका दिया मुझे अपनी बात रखने का। सो फर्स्टली जो मेरी जो स्टडीज जो स्कूलिंग हुई थी, सिक्स तक मैंने अपने गांव से करी थी, BVM स्कूल था भारतीय विद्या मंदिर, हाँ भारतीय विद्या मंदिर, एंड देन फिर मैंने किश्तवाड़ भारतीय विद्या मंदिर से 10th तक करा, एंड 11th 12th फिर मैंने अपने गांव गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी बजाज स्कूल से किया है। और जो नीट का है तो उस टाइम मैंने वो नीट का मैंने ऑनलाइन करा था, फिजिक्स वाला करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से मैंने अपनी ऑनलाइन जो प्रिपरेशन है वहाँ से करी थी। तो आपका क्या ये पहला चांस था कि दूसरा चांस था, क्या मतलब बताएंगे उसके बारे में? नो सर, ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 310 थे और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स 666 हैं, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा। तो अपने परिवार के बारे में बताइए, आपके पिता क्या करते हैं, आपकी माता क्या करती है, आपके घर में कौन कौन है? हाँ, मेरे घर में एक छोटा ब्रदर है एंड एक सिस्टर है मेरी, और जो मेरे पापा हैं वो सोशल फॉरेस्ट गार्ड हैं, और मेरी मम्मा हाउसवाइफ। तो आप मुझे बताइए कि आपके मन में कैसे आया कि नीट करना है, डॉक्टर बनना है, जबकि आप एक ऐसे गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, क्योंकि जाहिर सी तौर से बात है जो इतने बड़े सपने देखता है उसके लिए पैसा होना चाहिए, मदद होनी चाहिए, एक उस तरह की बैकग्राउंड होनी चाहिए। आपने गाँव से पढ़ा, जहाँ पर हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर जो है वो अंग्रेज़ी लिखना नहीं आता है बच्चों को, तो आप नीट का कैसे सोचा और कैसे किया? सर, जहाँ तक मुझे लगता है ये पैसा मैटर नहीं करता, आप अगर आप उतने डेडिकेटेड हैं और आप में टैलेंट है तो इस टाइम पे पैसे की कोई उतनी ज़्यादा नीड नहीं है। आप ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, तो आप ऑनलाइन जाके बहुत सस्ते इसमें भी आप प्रिपरेशन अपनी कर सकते हैं, बस आप में एक जुनून होना चाहिए करने का, यही चीज़ें थी। और ये जो नीट का ये मेरा सफ़र था तो कोई उसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है, बस ऐसे ही मैंने 10th करा तो 11th में मुझे मेडिकल, बस मेरी बचपन से अगर मुझे कोई पूछता था क्या करना है तो मैं बोलता था मुझे डॉक्टर बनना है, बट वो कोई उतना कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं था कि क्यों बनना है, बस ऐसे ही बोल देता था। फिर जैसे 11th में आ गया फिर मेरे को एक काइंड ऑफ ईगो आ गया कि नहीं अब मेरे को करना है तो करना है इस एग्ज़ाम को क्रैक। तो बस जब 310 नंबर आपको आए तो क्या उस वक्त थोड़े से डिमोरलाइज्ड हुए, घर में क्या बताया पिता ने कि क्या तुम नहीं कर पाओगे, क्या किसने क्या कहा जब 310 नंबर पहले अटेम्प्ट में आए? हाँ, उस वक्त क्या सोचा? जब मेरे 310 मार्क्स आए थे तो तब मैं खुद से ये था कि मैंने अपने 100% नहीं दिया, मैंने मेहनत नहीं करी उस लेवल की जो मुझे उतने अच्छे मार्क्स आते, इसलिए तो मैं कोई ज़्यादा दुखी भी नहीं था। और रही पेरेंट्स की बात तो पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करी है, उनके बिना तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। जब मैंने जिस भी चीज़ के लिए डिमांड रखी उनने हमेशा अपना पूरा साथ दिया, और आई थिंक जितना भी क्रेडिट जाता उनको जाता है। उतनी खुशी मुझे एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं थी, या उतना मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना उतना ज़रूरी नहीं लग रहा था जितना मुझे अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना था, तो ये चीज़ें मेरे लिए कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम से ज़्यादा। सलाना काफ़ी दूर इलाका है, वहाँ पर
अगर मैं बोलूं हमारी बहन डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो वहीं की है, शायद आप भी परिहार फैमिली से कुछ रिलेशन भी होगा, एक बहुत दूर दराज इलाका है, तो वहाँ पर जो है वो शायद ही कोई ये सोच पाए कि वो नीट जो है वो करे। जब आपका रिजल्ट निकला तो गाँव में किस तरह का माहौल था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि न सिर्फ वो एक गाँव को लाइमलाइट में लाती है बल्कि साथ में डिस्ट्रिक्ट को भी और खुद को भी जो है वो एक शख्स आता, जिस तरह से हमारी शीतल देवी है, जैसे ही उसने मेडल लिया न सिर्फ इंडिया न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर भी नहीं पर इंडिया और पूरा विदेश पूरा जो इंटरनेशनली जो है वो हमारा नाम हो गया। तो आपकी वजह से जब आपने नीट क्वालिफाई किया तो गाँव में क्या क्या रिएक्शन थे? जी गाँव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी करी उस टाइम, तो बहुत सारे मोटिवेट कर रहे थे जब हो गया था एंड मतलब ठीक था। गांव वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, स्पेशली फैमिली तो बहुत ज़्यादा खुश थे एंड इवन मेरे जो रिलेटिव्स में भी थे बहुत सब बहुत ज़्यादा खुश थे और सबको अच्छा फील। अक्सर जो स्टूडेंट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट होते हैं जिनके 90-95% नंबर होंगे, अभी आपके कितने नंबर हैं 12th और 10th में वो मैं चाहूँगा आपसे जानने के लिए, वो अक्सर जो है वो नीट जैसे एग्ज़ाम जो है या AIEEE हो या JEE के हों वो जो है वो वहाँ पर क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो क्या इसमें कोई इंटेलिजेंस लगती है कि या स्पेशल मेथोडोलॉजी लगती है कि इसको किस तरह से क्वालिफाई करना है? आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में और सेकेंड अटैम्प्ट में कौन सी चेंजेस जो है वो अपने आप में लाई? जी फर्स्टली मैं ये बताना चाहूँगा, मेरे क्लास 10th में मेरे मार्क्स 89 point something थे और क्लास 12th में भी मेरे अराउंड 91 point something मार्क्स थे, कोई ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं था कि 91% बहुत हाँ ठीक था, नॉर्मल था। और जो बच्चे मतलब अच्छा करते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में बट स्टिल वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते उनका मतलब सबसे पहले जो मेरे को पर्सनली जो मैंने चीज़ फील की है वो है कि वो एग्ज़ाम के पैटर्न को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम एक थ्योरी एग्ज़ाम है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम वहाँ पे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने की एक अच्छी स्किल होनी चाहिए जो डेवलप होती है, आपको अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बुक्स को देखने या बुक्स को रटने से बिल्कुल भी नहीं होगा। और मैं जो मैंने लास्ट टाइम जो मेरे 310 मार्क्स थे और जब मेरे ये मार्क्स आ रहे हैं 666, तो इस टाइम में मैंने ये करा कि कंसिस्टेंटली पढ़ा, नॉट जस्ट फॉर फ्यू डेज बल्कि आपको थ्रू आउट द ईयर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन आपको 12-12 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो आई थिंक फिर उसके बाद होगा। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी डेफिनेटली कर सकते हैं, बस एक डेडिकेशन और कंसिस्टेंटली मेहनत करना पड़ेगा। तो क्या ऑनलाइन क्लासेस पे ही इस पर डिपेंड रहा जा सकता? आपने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, किस ऑथर की जो है वो आपने ज़्यादा पढ़ी, और क्या ऑनलाइन के अलावा कोई ऐसे टीचर्स या कोई ऐसे लोग जिन्होंने आपको गाइड किया, जिन्होंने आपकी मदद की जो जो आज आप इस स्टेज पर पहुँच गए? ऑफलाइन में तो ज़्यादा मुझे पता नहीं, मतलब ऑफलाइन में मुझे किसी ने ज़्यादा उतनी सपोर्ट करी नहीं, बट फिर भी एक समीर सर केमिस्ट्री पढ़ाते थे हमें, वो थोड़ा गाइड कर लेते थे। और ऑनलाइन में बुक्स अगर आप जहाँ से मैं पढ़ रहा था तो वो जितना मुझे पढ़ा रहे थे बस मैं उतना कर रहा था और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था। आप लास्ट ईयर PYQs कर लो तो वो मोर देन सफिशेंट होते हैं, बस जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उसे रिग्रेसली फॉलो करते रहो और ऐसे थ्रू आउट द ईयर बस रिवीजन करते रहना, ये सब चीज़ें मैटर करती हैं लास्ट पर, फिर रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, तो कोई ज़्यादा ये नहीं, बस टीचर्स को अपने फॉलो करते रहो, जिनसे भी पढ़ रहे हो बस ट्रस्टेड होने चाहिए और रिजल्ट उन टीचर्स ने क्रिएट करे होने चाहिए। तो आपको क्या लगता है कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा, क्योंकि पहले जो जम्मू कश्मीर का मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता था उसमें यहाँ के बच्चे यहीं के जो है उनको एडमिशन मिलती थी, लेकिन अब क्योंकि जिस तरह से मैंने ये बताया कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो है ये अब ऑल ओवर इंडिया लेवल पर है, इसमें हज़ारों मेडिकल कॉलेजेस हैं, आपको क्या लगता है आपको कहाँ पर प्रेफरेंस में जो है वो एडमिशन मिलेगी, क्या अपने स्टेट में मिलेगी या कहीं बाहर मिलेगी, क्या आपको बताया गया है? जी कॉलेज तो जो लास्ट ईयर इस मतलब मार्क्स पर जो कॉलेज एक्सपेक्टेड था वो मार्क्स पर तो एम जम्मू मिल सकता था, बट इस बार थोड़ा कट ऑफ आई गया है, तो मैं जेएमसी जम्मू मिलेगा जो एक्सपेक्टेड है, या जेएमसी श्रीनगर, और बाकी बाहर के कॉलेज का मुझे उतना कुछ नॉलेज भी नहीं है तो उसके बारे में मैं प्रेफर भी नहीं करूँगा, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे उस चीज़ के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं आउट ऑफ स्टेट जाना, तो मैं जेएमसी जम्मू के लिए या जेएमसी श्रीनगर के लिए आ जाऊँगा। तो कब तक ये सारा फाइनलाइज होगा? ये अब काउंसलिंग जो स्टेट काउंसलिंग है विद इन 5-6 days स्टार्ट हो जाएगी एंड देन ये अप टू
आई थिंक अक्टूबर में हमारी एडमिशन हो जाएगी। अच्छा मुझे बताइए कि देखिए हम काफ़ी खबरें जो है वो सुनते हैं, जब नीट जो है वो रिजल्ट्स निकले काफ़ी जो बच्चे हैं वो नहीं निकल पाए, कुछ बच्चे यहाँ तक भी स्टेप लिया कि उन्होंने सुसाइड तक की, तो आप जो बच्चे नहीं निकले उनके लिए क्या कहेंगे और जो लोग इस चीज़ से हार जाते हैं, क्योंकि भाई बता दूं कि ज़िंदगी जो है वो डॉक्टर ही नहीं है, ज़िंदगी काफ़ी है, आईटी फील्ड्स हैं, मीडिया की फील्ड्स हैं, हमारे मीडिया में कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो करोड़ रुपये की सैलरी लेते हैं, तो आप उनके लिए क्या बताएंगे उन बच्चों के लिए जो फेलियर होकर जो है वो यहाँ तक कि अपनी जानें भी देते हैं। हाँ फर्स्टली फेलियर जैसा कुछ होता नहीं, हमेशा हम लर्निंग लेते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं हर चीज़ का, तो उन बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा, हाँ बहुत बुरा लगता है, मुझे भी जब टेस्ट में मार्क्स कम आते थे तो इवन मैं रोता भी था और अब मतलब बहुत डिमोटिवेट हो जाता है इंसान, बट फिर आपको वही सोचना, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना है और गलत स्टेप बिल्कुल भी नहीं लेना है। एक एग्ज़ाम आपको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि आप में कितनी कैपेबिलिटी है, मे बी कुछ रीज़न हो सकता है उस दिन आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बस अपने आप में जानो क्या मिस्टेक्स थी, अपना 100% तो नहीं हो रहा, तो बहुत सारी फील्ड्स हैं, ज़रूरी नहीं आप दूसरी फील्ड्स में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो कभी भी गलत स्टेप नहीं लेना चाहिए। राहुल हमारे सामने एक एग्जांपल है जिसने गांव के दूर दराज इलाके में पढ़ा और ऑनलाइन कोचिंग लेकर जो है वो आज इन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, लेकिन दूसरी तरफ से हमारे सामने वो जवान भी है जो आज ड्रग्स में मुब्तला है, जो नौजवान ड्रग्स के कंजप्शन की वजह से मारे भी गए। मैं राहुल से चाहूँगा कि ये अपनी ज़बानी उन नौजवानों को मैसेज दे जो ड्रग्स कर रहे हैं या ड्रग्स में मुब्तला हैं, उनके लिए जो है वो एक मैसेज दें। जी राहुल, ये जो ड्रग्स का बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में ये चीज़ें चल रही हैं, तो मैं इस पर यही बोलूँगा कि मतलब ये बहुत गलत चीज़ है, और जो भी बच्चे जो भी इस चीज़ में इन्फ्लुएंस होकर ये चीज़ें करते हैं तो प्लीज़ मत करो ऐसा, ये बहुत गंदी चीज़ है, एंड आगे जाके आप कुछ टाइम बाद ये फील करोगे कि मैं कितनी गंदी चीज़ और कितनी गलत चीज़ कर रहा था, और बाद में आप बहुत रिग्रेट फील करोगे, और अपनी फैमिली की ओर देखो और उनको उनके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो इस चीज़ से दूरी रहे ताकि वो प्राउड फील कर सके। राहुल के सफ़र के बारे में मैं इतना ही बताना चाहूँगा कि इसकी कामयाबी से ये बात साबित होती है कि ना ही कास्ट, ना ही स्टेटस, ना ही पैसा जो है वो इन चीज़ों में काम आता है, अगर काम आता है एक तो कोशिश आती है और दूसरी जो है वो डेडिकेशन है, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, और राहुल ने भी वही किया और 310 से उन्होंने 666 नंबर का सफ़र जो है वो तय किया। हमारे पास और भी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि फलानी ने नीट किया है, फलानी ने नीट किया है, मत्ता से हमारे शिवम बुतियाल है, मैं कोशिश करूंगा कि वो भी इंटरव्यू के लिए रेडी है, अगर कोई और भी है जिसने अच्छे मार्क्स लाए हैं और वो नीट क्वालिफाई किया हुआ है वो भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट करें, मैं उनका भी इंटरव्यू लूँगा, उनके बारे में भी पूछूँगा, उनके माँ बाप के बारे में भी पूछूंगा। आपने अपने पिता का नाम नहीं बताया। मेरे पापा का नाम श्री रोशन लाल जी। जी श्री रोशन लाल जी परिहार जो है वो सोशल फॉरेस्ट्री में जो है वो गार्ड हैं। हमारी तरफ से आपको भी और आपके पूरे परिवार को और पूरे सलाना इलाके को जो है वो मुबारकबादी है। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।